लखनऊ में 5 जनवरी से शुरू होने वाले डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना अपनी ताकत का एहसास करा रही है। कहर बरपाने वाली मिसाइलें, टैंक, तोप और लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ इस एक्सपो में भारतीय सेना एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रही है। सेना के जाबाजों के रणकौशल से डिफेंस एक्सपो का माहौल किसी रणभूमि की तरह नजर आ रहा है। रणभूमि में कहर बरपाने वाले टैंक, जमीन पर आग उगलने वाली तोप, अंतरिक्ष तक मार करने वाली मिसाइल, सरहद पर घुटने टेकेंगे दुश्मनों की फौज, भारतीय सेना की मार से त्राहिमाम करेगी टेरर कंपनी, दुश्मनों की नापाक साजिशों का होगा समूल नाश, भारतीय सेना के इन खतरनाक हथियारों के प्रहार से पस्त होगा दुश्मन। लखनऊ में 5 फरवरी से डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो रही है। इसमें शामिल होने वाले देश के घातक हथियार दुश्मनों के होश उड़ा रहे हैं। 5 फरवरी से राजधानी लखनऊ में शुरू हो रहे डिफेंस एक्सपो में मेक इन इंडिया थीम पर भी खासा जोर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में उन रक्षा उत्पादों का को भी प्रदर्शित किया जाएगा जिनको पूरी तरीके से भारत में तैयार किया गया है। डिफेंस एक्सपो में मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया है। देश में बने कई घातक हथियारों को प्रदर्शन के लिए डिफेंस एक्सपो में लाया गया है। 40 किलोमीटर तक मार करने वाली आर्टरी गन अटैक्स को DRDO ने बनाया और इसे जल्द ही सेना में शामिल किया जा सकता है। ये एक आर्टिलरी गन है जिसका नाम है अटैक्स। इसकी विशेषता यह है कि यह पूरी तरीके से DRDO की मदद से इसको भारत में तैयार किया गया है, और चूंकि अभी ये अंडर ट्रायल है और जो जानकारी हमें दी गई है उस जानकारी के मुताबिक जो हाई एल्टीट्यूड जो ट्रायल है वो इसका हो चुका है, 1-2 ट्रायल के बाद इसको आर्मी को सौंप दिया जाएगा। कहर बरपाने वाली मिसाइलों से लेकर T-90 टैंक और जंग के मैदान में दुश्मनों को ले जाने के लिए तैयार किए गए PMP वाहन डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शन के लिए लाए गए हथियार बेहद ही हाईटेक, इनका निशाना बेहद सटीक है। एक्सपो के लाइव डेमो एरिया में लोग इन हथियारों की ताकत को करीब से देख सकेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम वो टैंक जो कि देश की सरहद पर तैनात किए जाते हैं वो इस वक्त डिफेंस एक्सपो में लाए गए हैं, जिसमें कि T-90 है, वज्रा है, अर्जुन है, BMP, ये वो टैंक हैं जिन्हें खास तौर पर इस एक्सपो में लाया गया है, क्योंकि जो लाइव डेमो एरिया बना है जहां पर लाइव डेमो किया जाता है सेना के द्वारा, इन टैंकों का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इस डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना ने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जहां लोग बंकर कमांड पोस्ट सेना के टैंकों के साथ सेल्फी ले सकते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है। इसके अंदर जैसे कि आप सबसे बाएं देख रहे हैं BMP Mark II लगा हुआ है, उसके साथ ही पैरासिलिंग का है, उनके कुछ कटआउट लगाए गए हैं। ये सेल्फी जो यहाँ पे लोग अपने बच्चे आके काफ़ी लोग सेल्फी करवा रहे हैं। इसके अलावा जी हमारी तरफ से एक कमांड पोस्ट बनाया गया है। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जाबाजों ने डिफेंस एक्सपो का माहौल रणभूमि की थीम पर तैयार किया। एक्सपो का माहौल जोर से भर देने वाला है। जाहिर है एक्सपो के दौरान भारतीय सेना के जाबाज अपने रणकौशल से देखने वालों को हैरान कर देंगे। इस एक्सपो के जरिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक्सपो में लोग यहां पर शामिल होने आएंगे वो यहां पर अपने हिसाब से कुछ नए अनुभव भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।